नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, त्रिपुरा में बीजेपी को मिला पूर्ण बहुमत, बनाने जा रही सरकार। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। 60 विधानसभा वाले राज्य में बीजेपी गठबंधन ने 34 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं लेफ्ट ने 14 सीटों पर जीत हासिल की है। टीएमपी की बात की जाए तो टीएमपी को 12 सीटें मिली है। आपको बता दें कि इसी के साथ बीजेपी को त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत मिल गया है। त्रिपुरा में एक बार फिर से बीजेपी 34 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। और ये बड़ी खबर, त्रिपुरा के बाद नागालैंड में भी बीजेपी को मिला पूर्ण बहुमत, कांग्रेस पार्टी का नहीं खुला खाता। ये आपको बता दें कि नागालैंड में भी बीजेपी गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। राज्य में एनडीए सरकार की एक बार फिर से वापसी हो रही है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। आपको बता दें कि नागालैंड में बीजेपी गठबंधन ने 38 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है, कांग्रेस पार्टी का नागालैंड में खाता भी नहीं खुला। अदर की बात की जाए तो अदर ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि नागालैंड में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। 38 सीटें जीतने के बाद बीजेपी जल्द ही सरकार का गठन करेगी। और बड़ी खबर, मेघालय में बीजेपी बहुमत से काफी दूर, फिर भी गठबंधन में बना सकती है सरकार। यह आपको बता दें कि मेघालय में बीजेपी बहुमत से काफी दूर है, यहाँ पर एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि एनपीपी भी बहुमत से काफी दूर है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मेघालय में बीजेपी के साथ मिलकर एनपीपी सरकार बना सकती है। पिछले चुनाव में भी राज्य में बीजेपी और एनपीपी गठबंधन की ही सरकार थी। यदि मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिली है, एनपीपी को 25 सीटों पर जीत मिली है, बीजेपी ने 3 सीटें जीती हैं, जबकि अदर की बात की जाए तो अन्य को 26 सीटों पर जीत मिली है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि मेघालय में एनपीपी और बीजेपी गठबंधन में सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा तीनों ही राज्यों में बीजेपी कायम होगी। आपको बता दें कि त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है और मेघालय में बीजेपी गठबंधन के साथ में सरकार बना सकती है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि मेघालय में सरकार किसकी बनती है। लेकिन यह तो तय है कि त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, और मेघालय में भी ऐसा ही माना जा रहा है कि बीजेपी एनपीपी के साथ गठबंधन कर अपनी सरकार बनाने जा रही है। यानी तीनों ही राज्यों में एक बार फिर बीजेपी अपनी सत्ता काबिज रखेगी। और ये बड़ी खबर, चुनाव नतीजों पर केंद्र कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा ऐलान, बोले हम काम के दम पर जीत रहे जनता का विश्वास। ये आपको बता दें कि उत्तर पूर्व में चुनाव के परिणामों पर केंद्र कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भाजपा जिस तरीके से उत्तर पूर्व में जीत प्राप्त कर रही है, उसका एक बड़ा कारण है कि मोदी जी ने जितना काम किया है वो लोगों तक पहुंच रहा है। चुनाव जीत रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों का विश्वास प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने नागालैंड और त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। यदि मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में भी बीजेपी गठबंधन के साथ में सरकार बना सकती है। और ये बड़ी खबर, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस पार्टी हो गई फेल, नागालैंड और त्रिपुरा में नहीं खुला खाता, मेघालय में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई कांग्रेस पार्टी। ये आपको बता दें कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनावों की मतगणना हुई। अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में बेहतर प्रदर्शन करेगी, राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। त्रिपुरा की बात करें तो एक तरफ जहां पर बीजेपी यहां पर दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता तक नहीं खुला है। यदि नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला है, जबकि मेघालय में कांग्रेस पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुपाई, यानी मेघालय में कांग्रेस पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली हैं। इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से फेल हो गई है, यानी नागालैंड त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस पार्टी की हालत बेहद खराब हो गई। नागालैंड त्रिपुरा में तो पार्टी का खाता नहीं खुला, लेकिन मेघालय में कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीत ली हैं। आपको बता दें कि इस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से फेल हो गई है और यहां पर भारत जोड़ो यात्रा का कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। और बड़ी खबर, त्रिपुरा में जीत के बाद मुख्यमंत्री मणिक साह का बड़ा ऐलान, बोले ये जनता की जीत है, पार्टी आलाकमान तय करेगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। आपको बता दें कि त्रिपुरा में एक बार फिर बीजेपी सरकार की वापसी हो रही है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने इस जीत को जनता को समर्पित किया है। एबीपी से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा शपथ ग्रहण समारोह के बारे में तय करेंगे। 2023 के चुनाव में कम सीटें आने पर बीजेपी नेता ने कहा कि हमने अधिक सीटों की उम्मीद लगाई थी, लेकिन जनता ने जो फैसला दिया है उसे मानना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा
आखिर चुनाव के बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि किस वजह से हमारी सीटें कम हुई हैं। दोबारा शपथ ग्रहण के सवाल पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में फैसला आलाकमान तय करेगा। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण जब होगा इस बारे में पता चल जाएगा। इसके बारे में प्रधानमंत्री जी, जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री अमित शाह जी फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे पूरा किया जाएगा। त्रिपुरा में लगातार दूसरी जीत का सेहरा पीएम नरेंद्र मोदी के सिर पर बांधते हुए मणिक शाह ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई है। इसके साथ ही जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी ने यहां पर आकर हम सभी को उत्साहित किया वो भी बड़ी वजह रहा। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को भी बधाई दी है। मणिक शाह ने कहा कि इस बार बिना हिंसा के चुनाव हुआ, ये बेहद ऐतिहासिक रहा। उन्होंने कहा कि मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी जश्न मनाएं लेकिन उसमें हिंसा किसी भी कीमत पर ना होने पाए। अगली बड़ी खबर, 28 साल के बाद बना इतिहास। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को पछाड़ा। कस्बा में रविंद्र धंगेकर ने लहराया परचम। ये आपको बता दें कि पुणे में कस्बा सीट पर उपचुनाव हुआ। पुणे में कस्बा सीट से कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर ने जीत दर्ज कर ली है। इस जीत को उन्होंने जनता की जीत बताया है। इस सीट से बीजेपी के हेमंत रासने की हार हुई है। आपको बता दें कि कस्बा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। कस्बे में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है। बीजेपी के पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर ने जीत दर्ज कर ली है। इस सीट से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके उम्मीदवार इस सीट से हार गए हैं। इस साल कस्बा में बीजेपी और एमबीए के बीच में कांटे की टक्कर थी। पहले दौर से कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर आगे चल रहे थे। कस्बा सीट से कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर ने बीजेपी के 28 साल पुराने किले को फतह कर लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल कस्बा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा कर लिया है। अगली बड़ी खबर, पूरी कैबिनेट ने किया था प्रचार फिर भी हार गए। हेमंत रसाने बोले, एक उम्मीदवार के रूप में मैं छोटा पड़ गया। ये आपको बता दें कि पुणे की कस्बा उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र धंगेकर ने 11,040 वोटों से जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के गढ़ में ये कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। बीजेपी के पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर ने बीजेपी उम्मीदवार हेमंत रसाने को हरा दिया है। इससे जहां पर एक ओर एमबीए में खुशी की लहर देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर अपनी इस हार पर बीजेपी प्रत्याशी हेमंत रसाने हार स्वीकार करते हुए प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि कस्बा में बीजेपी प्रत्याशी हेमंत रसाने ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मैं प्रत्याशी के तौर पर पिछड़ गया, मुझे ये परिणाम स्वीकार है। कस्बा में पिछले कुछ दिनों से बीजेपी उम्मीदवार हेमंत रसाने और कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर के बीच में कांटे की टक्कर थी। बीजेपी ने चिंचवाड़ा और कस्बा विधानसभा उपचुनावों के प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उनके लिए पूरी कैबिनेट ने प्रचार किया था। पुणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और कई केंद्रीय मंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया था। हालांकि उपचुनाव के नतीजों की बात करें तो हेमंत रसाने को इसका फायदा नहीं मिला। 28 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र पर अब कब्जा कर लिया है। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ऐतिहासिक फैसला। अब सिर्फ केंद्र सरकार की मर्जी से नहीं होगी चुनाव आयोग में नियुक्ति। विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस भी करेंगे चुनाव आयुक्तों का चयन। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के कामकाज में अधिक विश्वसनीयता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब सीधे केंद्र सरकार नहीं करेगी। इन अहम पदों पर नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी करेगी। अगर लोकसभा में नेता विपक्ष का पद खाली है तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता इस कमेटी के सदस्य होंगे। राष्ट्रपति इस कमेटी की तरफ से चुने गए व्यक्ति को पद पर नियुक्त करेंगे। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस बारे में संसद से कानून पारित नहीं हो जाता तब तक यही व्यवस्था लागू रहेगी। जस्टिस के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बना रहना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार अपनी मर्जी से चुनाव आयोग में कोई भी नियुक्ति नहीं कर पाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में नेता विपक्ष की 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से विपक्ष के नेता हो गए गदगद। बोले, ये बहुत बड़ा फैसला है। ये आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 चुनाव आयुक्तों के चयन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की विपक्षी दलों के नेताओं ने सराहना की है। उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से दिए फैसले में कहा कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की एक समिति राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सलाह देगी। फैसला आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसे बहुत बड़ा फैसला करार दिया है और कहा कि उच्चतम न्यायालय का आदेश चुनाव आयोग को अधिक सक्षम बनाएगा। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि यह बहुत बढ़िया फैसला है। इसके बाद पहले से सक्षम चुनाव आयोग अब और अधिक सक्षम होने की ओर आगे
आगे बढ़ेगा। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक आदेश करार दिया है। ठाकरे खेमे से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव आयोग की शीर्ष नियुक्तियों पर उच्चतम न्यायालय का यह प्रस्ताव वास्तव में ऐतिहासिक आदेश है। चुनाव आयोग में शीर्ष नियुक्तियों के लिए एक पैनल की ओर से राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजीआई शामिल होंगे। पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नामों की सिफारिश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसमें विपक्ष के नेता और सीजीआई भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बहुत बड़ा फैसला करार दिया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने किया था घर न होने का दावा। बीजेपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना से घर और जमीन मुहैया कराने के लिए दिया आवेदन। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आयोजित कांग्रेस के महाधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरे पास 52 वर्षों से घर नहीं है। इस मामले में राजनीति ज्यादा गर्मा गई है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी पर अब भाजपा तंज कसते हुए निशाना साध रही है। खबरों के मुताबिक वायनाड में भाजपा की ओर से कल पेट्टा नगर पालिका के सचिव को एक आवेदन भेजकर राहुल गांधी के लिए घर की मांग की गई है। इस आवेदन में कांग्रेस सांसद का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने और उन्हें मकान और जमीन मुहैया कराने की अपील की गई है। वायनाड के भाजपा जिलाध्यक्ष केपी मधु ने बुधवार को राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे कांग्रेस नेता को कलपेट्टा में एक घर और जमीन मुहैया करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि ये घर जिले के सेंटर एरिया में हो। मधु ने तंज कसते हुए कहा कि वायनाड में घर होना राहुल गांधी के लिए आदर्श स्थिति होगी, क्योंकि वे अपनी छुट्टियां बिता के लिए यहां पर आते हैं। अगली बड़ी खबर, अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बनाया एक्सपर्ट पैनल। कमेटी में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुके नंदन नीलेकणी भी किए गए शामिल। ये आपको बता दें कि अडानी हिंडनबर्ग केस को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से उत्पन्न मुद्दों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। पूर्व जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता वाली समिति में दिग्गज बैंकर केवी कामथा और ओपी भट्टा, इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी और पूर्व जज जेपी देवधर शामिल होंगे। आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि बाजार नियामक सेबी अपनी चल रही जांच को 2 महीने में पूरा करे और एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह भी जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या नियमों का उल्लंघन हुआ है और क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर किया गया था। न्यायालय ने केंद्र वित्तीय सांवैधानिक निकायों सेबी चेयरपर्सन को समिति को जांच में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया है। अडानी हिंडनबर्ग केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। इस कमेटी में सबसे अहम नाम इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी का है। नंदन ने देश को आधार कार्ड, यूपीआई, फास्टैग, जीएसटी जैसी तकनीक देने में अहम भूमिका निभाई है। उनके बारे में एक खास बात यह भी है कि वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। कहा जा रहा है कि नंदन नीलेकणी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ में काफी अच्छे संबंध हैं। बड़ी बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का अटल वाला फार्मूला, क्या राजी होंगे सभी सहयोगी दल। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सभी राजनीतिक दल मिशन 2024 के मोड में उतर चुके हैं। बीजेपी केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने की कवायद में जुटी है, तो विपक्ष नरेंद्र मोदी को हर हाल में रोकने के लिए ताना बाना बुनने में लगा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने रायपुर के 85वें अधिवेशन में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता वाला 2004 का यूपीए फार्मूला सामने रखा है। कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों के साथ में गठबंधन करने की बात तो कर रही है, लेकिन विपक्षी दलों को क्या 2024 के लिए कांग्रेस का यूपीए वाला यह गठबंधन फार्मूला कबूल होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने रायपुर अधिवेशन में 2004 की तर्ज पर विपक्षी एकता का प्रस्ताव पास किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 2024 में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए से मुकाबले के लिए समान विचारों के आधार पर एकजुट विपक्ष की बहुत जरूरत है। अधिवेशन में इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके अनुसार कांग्रेस पार्टी समान विचारधारा वाले धर्म निरपेक्ष दलों के बीच में सहमति बनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी ने 2024 में 2004 के ऐतिहासिक को दोहराने की कवायद की है, जिसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सियासी दाव भी चलने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली से करीब 2500 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में विपक्षी एकजुटता का सियासी तानाबाना बुधवार को बुना गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के जन्मदिन पर विपक्षी एकता की तस्वीर साफ दिखी, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक दूसरे का हाथ पकड़े
खड़े नजर आए। अखिलेश यादव काफी दिनों के बाद किसी कांग्रेस नेता के साथ में मंच शेयर करते नजर आए, तो स्टालिन के जन्मदिन के बहाने मल्लिकार्जुन खड़गे भी विपक्षी एकता की कवायद करते नजर आए। इस दौरान सपा आरएलडी के नेता ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा बाद में तय कर लेना, पहले बीजेपी को हरा तो लो। इस तरीके से उन्होंने बड़ा सियासी संदेश दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष अब एकजुट होता जा रहा है। आपका क्या मानना है, क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।